दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर, आप लाइव मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। हम इस चैनल में ट्रैवल वीडियोस, टेक न्यूज और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। कुछ दिनों पहले हमने MI A2 का अनबॉक्सिंग किया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो ऊपर दिए हुए आई बटन में वो लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दिया रहेगा। और जो सब्सक्राइबर पहली बार चैनल में आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MI A2 के कैमरा और करेंगे उसका एक परफॉर्मेंस टेस्ट। मगर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं MI A2 के कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशंस। MI A2 का प्राइमरी कैमरा डुअल सेटअप पे आता है और उसमें हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसके थ्रू आप बोके मोड या पोर्ट्रेट मोड में फोटोज खींच सकते हो। और अगर मैं सेकेंडरी कैमरा या फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो उसमें आपको मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का शूटर और साथ ही में दिया हुआ है फ्रंट फेसिंग फ्लैश के साथ। MI A2 के कुछ एक्स्ट्रा कैमरा स्पेसिफिकेशंस यहाँ दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट की, जो हमने MI A2 के कैमरा पे किया था। ये किया गया था दो बेसिस पे, एक था डे लाइट और एक था नाइट लाइट, एंड बोथ इंडोर एंड आउटडोर बेसिस पे। और वीडियोस जो आप देख पाओगे वीडियो टेस्ट, उसका जो ऑडियो है वो ऑडियो डायरेक्टली MI A2 के माइक्रोफोन से किया गया है, तो वो आप देख पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखते हैं चलिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि ये भी जो वीडियो आप देख रहे हो वो MI A2 के कैमरा से ही शूट किया गया। हाँ दोस्तों, अब आप जो ऑडियो सुन पा रहे हो वो आ रहा है MI A2 के माइक्रोफोन से, फ़ोन माइक्रोफोन से डायरेक्टली। और ये 1080 pixels मतलब फुल HD और 30 फ्रेम पर सेकंड पे किया गया है। मैं थोड़ा जल्दी चल के दिखाता हूँ ताकि आप ऑप्टिकली में स्टेबलाइजेशन समझ पाओ इसका। मैं अपने छत पे हूँ बेसिकली और आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है फुल HD वीडियो MI A2 का। अब आप जो देख रहे हो वो है 4K वीडियो, माइक्रोफोन वही यूज़ हो रहा है MI A2 का। तो अब आप देख के बताइएगा कि इसका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैसा है। और मैं थोड़ा जल्दी चल के चलता हूँ और आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रेम्स ला के दिखाता हूँ ताकि आप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन समझ पाओ। तो ये है 4K वीडियो MI A2 का। तो ये है फ्रंट कैम से वीडियो MI A2 के फ्रंट कैम से, और ये फुल HD 1080 pixel 30 फ्रेम पर सेकंड पे आप देख रहे हो। और माइक्रोफोन जो यूज़ हो रहा है वो MI A2 का है। तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आप समझ लो, आप देख के समझ लो कि कैसा है। और थोड़ा जल्दी चल के भी बता देता हूँ आपको, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आप समझ लो, इसलिए थोड़ा शेक करवा के दिखा दिया आपको। अब दोस्तों ये है इंडोर व्यू मेरे घर में, नाइट व्यू है रात को। तो कैसा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है आप देख पा रहे हो। और जो ऑडियो है वो लिया गया है MI A2 के माइक्रोफोन से। तो ये है फ्रंट कैम व्यू, नाइट व्यू मेरे रूम में, और फुल HD वीडियो है। और ऑडियो जो आ रहा है वो MI A2 के माइक्रोफोन से आ रहा है। मेरे ठीक ऑपोजिट में ट्यूबलाइट है इसलिए ऐसा व्यू है। तो आप देख पा रहे हो कैसा है, और इमेज स्टेबलाइजेशन भी आप देख पा रहे हो। तो ये है फ्रंट व्यू, फ्रंट नाइट व्यू MI A2 के कैमरे से। ये है आउटडोर व्यू MI A2 के बैक कैमरे से, और ऑडियो जो आ रहा है वो माइक्रोफोन से आ रहा है। तो ये आप देख पा रहे हो किस तरीके का आ रहा है। तो अब जो वीडियो देख रहे हो वो MI A2 के फ्रंट कैम से आ रहा है,
और फोन का माइक्रोफोन ही यूज हो रहा है, तो आप देख लो कैसा दिख रहा है। मेरे ऑपोजिट में स्ट्रीट लाइट्स है, तो इस तरीके का दिख रहा है कुछ। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो सीधा फ्रंट कैम से आ रहा है, और आगे जो आप देख पा रहे हो वो फ्रंट फेसिंग फ्लैश है बेसिकली। तो फ्लैश का काम तो वीडियो में होता नहीं है, टॉर्च है। तो मैं उसी जगह पे बैठा हूँ जहां पे बैठ के मैं वीडियोस करता हूँ डेली। तो आप जो देख पा रहे हो वो डायरेक्टली फ्रंट फेसिंग फ्लैश या आप जो कह लो कि टॉर्च, उससे आ रहा है। और जो ऑडियो वो सुन पा रहे हो वो MI A2 के माइक्रोफोन से आ रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि MI A2 का जो कैमरा का परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ उससे क्या निकला। पहले बात कर लेंगे कि फोटोज की, और जो वाइड एंगल फोटोज हमने देखा उनके बारे में बात करेंगे। तो वाइड एंगल फोटोज में हमने देखा कि वे बहुत ही अच्छा MI A2 इमेजेस जनरेट करता है, बहुत ही स्मूथ पिक्चर्स है और नेचुरल कलर्स देती है, रियल कलर्स देती है। तो MI A2 का टैगलाइन भी है पिक्चर परफेक्ट फोटोज फॉर यू, तो उसी पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बहुत अच्छे पिक्चर्स देती है। मगर यहाँ पे बात है अब कस्टमर के इंटरेस्ट के ऊपर। हमारे यहाँ दो तरीके के कस्टमर होते हैं, जिन्हें थोड़ा नेचुरल कलर पसंद है, रियल कलर पसंद है, और एक और कस्टमर सेगमेंट है जिन्हें थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड और विविड कलर्स पसंद है। तो आप कमेंट करके बताइए सबसे पहले आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा इमेजेस आपको पसंद आता है, और जब आप फोटोज खींचते हो आपको कौन सा पसंद है कि नेचुरल रियल कलर रहे या फिर थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड और थोड़ा सा विविड कलर्स रहे ताकि वो थोड़ा कैची बने। तो ये आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए, और साथ ही में बताइए कि आपने इसी वीडियो में देखा कि कैसे फोटोज इमेज क्वालिटी जनरेट होती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड या बोके मोड की, और उससे पहले ये बताते हैं कि कोई भी फोन पकड़ लीजिए उसका डुअल लेंस है, एक टेलीफोटो लेंस है जो पोर्ट्रेट मोड जनरेट करता है। तो सबसे अच्छा जो इमेज जनरेट होगा वो नेचुरल लाइट और विद सनलाइट आउटडोर कंडीशंस पे ही हो सकता है। तो MI A2 के क्षेत्र में भी हमने देखा कि आउटडोर में डेलाइट कंडीशन में उसने सबसे अच्छा इमेज जनरेट किया, बहुत अच्छा स्मूथ इफेक्ट आ रहा था और ब्लर बैकग्राउंड को ब्लर वो कर पा रहा था और एजेस को अच्छे तरीके से कट कर पा रहा था। तो अब बात कर लेते हैं इंडोर एंड आउटडोर कंडीशन नाइट लाइट पे। अब नाइट लाइट पे जब आप करते हो तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट लगता है वो डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो आपको डेप्थ इफेक्ट पे काम करने के लिए लाइट्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रीट में खड़े हो तो आपको स्ट्रीट लाइट के डायरेक्ट ऑपोजिट में ही खड़ा होना पड़ेगा वो डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो पोर्ट्रेट मोड क्रिएट करने के लिए। और अगर मैं बात करूं फोकस की, तो ये फोन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट को फोकस करता है और विद इन ऑटो फोकस ही है, विद इन इंस्टेंट सेकंड्स ही वो चीज को फोकस कर लेता है, विद इन 1 सेकंड। अब बात करते हैं वीडियोस की। वीडियोस में हमने दो तरीके के वीडियोस उठाए, एक फुल HD और एक उठाया 4K पे। तो फुल HD 1080 पिक्सल जो आपने देखा उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही स्टेबल इमेज वो जनरेट करता है, स्टेबल वीडियोस प्रोवाइड करता है हमें, और जो माइक्रोफोन का ऑडियो भी है वो बहुत ही अच्छा है। और 4K पे भी ऑडियो जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मगर 4K में एक ही प्रॉब्लम है कि वो इमेज स्टेबिलाइजेशन का जो है वो चीज है नहीं, तो इतना स्टेबिलाइज्ड इमेज हमें देखने को मिलता नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ एडिटर्स यूज करने पड़ेंगे। अगर आप 4K में ही वीडियो शूट करना चाहते हो MI A2 के थ्रू, तो आपको कुछ एडिटर्स के थ्रू स्टेबिलाइज करना पड़ेगा वीडियो को। और सारे फोटोज और इमेजेस आपने जो देखा वो सारे रॉ इमेजेस थे, तो एडिटिंग का ऑप्शन आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहता है और आप बेस्ट इमेजेस ऑब्वियसली एडिट करके जनरेट कर सकते हो, इवन वीडियोस तो आप वो कर सकते हो। तो MI A2 के कैमरा पे मेरा यही कंक्लूजन है कि जो प्राइस रेंज में ये कैमरा मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, और अगर मैं कहूँ किसी यूट्यूबर के लिए वो DSLR पे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है और अभी उनके पास पैसे है नहीं, उसका ड्रीम है DSLR पर अभी पैसे नहीं है, तो वो MI A2 के थ्रू अभी शूट कर सकता है अपने वीडियोस। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो वो शूट हुआ है MI A2 पे। तो आप कभी भी एक यंग यूट्यूबर है वो स्टार्ट कर सकता है इस कैमरा से, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते वो DSLR तक जा ही सकता है, मगर एज पर कैमरा जो रेंज है उस हिसाब से ये कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और मेरे हिसाब से ये +5 ही मैं कहूंगा, इसे 5/5 ही देना चाहूंगा। तो यहां पे कर रहा हूं आज का वीडियो एंड MI A2 कैमरा परफॉर्मेंस। होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने MI A2 का अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा नहीं है तो फिर से लिंक दे रहा हूँ, आई बटन आपको ऊपर दिख रहा है और वीडियो के एंड स्क्रीन में जरूर दिया रहेगा, तो आप MI A2 का अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर देखें। और नेक्स्ट जो वीडियो MI A2 पे आने वाला है वो रहेगा स्लो मोशन पे, हम काम करेंगे स्लो मोशन पे, आपको दिखाएंगे कि स्लो मोशन पे कैसे वीडियो जनरेट होते हैं MI A2 से। और जो सब्सक्राइबर्स, फिर से लास्ट में कह देना चाहता हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स पहली बार आए हो, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले,
और मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आगे मिलते रहेंगे, टाटा।